जैसे हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन आई होप सभी को पता है, सभी को पता है अभी हम इस स्टेज पे हैं कि आई थिंक डायरेक्शन के मामले में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार फास्ट ट्रैक पे देख लेते हैं, एक बार फास्ट ट्रैक पे मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, देखो दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, या तो डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर डिस्टेंस से बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन के अंदर आपसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पे आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। तो जब हम डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन ये देखिए, सबसे पहले क्या कहेंगे हम, ईस्ट, यस, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम ये होगी ईस्ट। ईस्ट के अपोजिट क्या जाएगी, वेस्ट, द नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द फोर बेसिक साइड, मेन तो यही है चारों डायरेक्शन। इसके अलावा जो हमारे जो डायरेक्शंस हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो हैं, दे आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के इंटरमीडिएट क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? दिस इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, क्लियर? दीज आर द डायरेक्शन। इन एट डायरेक्शन का सभी ने ध्यान रखना है। अगर ये हमें क्लियर है तो हम क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, ओके? अब बात आती है, चलो मुझे डायरेक्शन भी पता है, आई नो ऑल द डायरेक्शंस, बट फिर भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई भी एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ही इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड देन ही टर्न टू लेफ्ट और राइट, ओके, एंड देन ही मूव 8 मीटर, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा। तो हमें लेफ्ट राइट हमारा क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट किधर जाएगा, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हो तो उस क्वेश्चन के अंदर आपका फेस किधर है एंड अकॉर्डिंग टू फेस लेफ्ट और राइट किधर जाएगा, ये आप सभी ने ध्यान रखना, ठीक है? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके? तो अगर हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट वेस्ट फेसिंग करते हैं, ईस्ट फेसिंग है, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि अगर एक बार ये क्लियर हो गया उसके बाद बाकी के पॉइंट्स आपके ऑलरेडी ये मान के चलो कि क्लियर्ड है, ठीक है ना? तो एक बार इस वाले पॉइंट को सभी ने ध्यान देना है कि क्या है, ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग। हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से सभी आ जाइए क्लास में। देखिए अगर मैं बात करती हूँ ईस्ट फेसिंग की, सबसे पहले ईस्ट की बात करेंगे, ओके? जब आप ईस्ट फेसिंग हो दैट मींस कि फेस किधर है हमारा, इधर है। अब जब हम इधर फेस करके जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, या तो लेफ्ट में मूव करना है या फिर राइट में मूव करना है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे राइट में मूव करना है, राइट में मूव करना है, दैट मींस कि किधर जाएंगे हम, इधर जाएंगे, ये हो गया आपके पास में राइट। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे लेफ्ट के अंदर मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है, तो किधर जाएंगे हम, अपोजिट जाएंगे, दिस इज लेफ्ट, ओके? लेफ्ट राइट इज क्लियर, यस। ईस्ट फेसिंग है हम, क्या है, ईस्ट फेसिंग है। अगर मुझे जाना है लेफ्ट में, लेफ्ट में अगर मुझे जाना है तो हम कहां जाएंगे, डाउनवर्ड। अगर राइट में जाना है देन अपवर्ड। बट इफ वी आर वेस्ट फेसिंग, ओके, वेस्ट फेसिंग है, ठीक है? जब हम वेस्ट फेसिंग है दैट मींस कि जैसे अगर मेरा फेस अभी इधर है तो अभी मेरा फेस इधर हो गया, है ना? तो उस केस में मेरा लेफ्ट राइट भी चेंज होगा, लेफ्ट राइट भी चेंज होगा। जब लेफ्ट राइट चेंज होगा तो उस केस में अगर मुझे राइट जाना है तो राइट के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हमारे पास में लेफ्ट अप था, राइट डाउन था, राइट डाउन था। बट जब हम कहां है, वेस्ट फेसिंग है, तो उस केस में वो अपोजिट हो जाएगा, दैट मींस व्हाट, कि राइट किधर जाएगा, अप जाएगा, और लेफ्ट किधर जाएगा, डाउन जाएगा। क्लियर, सभी को क्लियर है? अब हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट के बाद में नॉर्थ साउथ के, नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ फेसिंग, इफ यू आर नॉर्थ फेसिंग, जब आप नॉर्थ फेसिंग हो तो उस केस के अंदर देखिए फेस किधर है हमारे पास में, इधर फेस है,
ठीक है, जब फेस इधर है तो मुझे अगर लेफ्ट में जाना है तो जो आपका लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट हैंड है दैट विल बी लेफ्ट, और जो आपका राइट हैंड है दैट विल बी राइट। दैट मीन्स कि ये हो गया आपका राइट और ये जो इधर है ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट। ओके, जब हम साउथ फेसिंग है दैट मीन्स कि हमारा फेस किधर है, इधर है। जब हम साउथ फेसिंग है उस केस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा दैट मीन्स कि जो लेफ्ट है दैट विल बिकम राइट और राइट बिकम लेफ्ट। तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो जाएगा आपके पास में राइट। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे, इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर? ईस्ट फेसिंग है तो क्या होगा, जब आप ईस्ट फेसिंग हो देन अगर आपको राइट मूव करना है देन डाउनवर्ड जाओगे एंड लेफ्ट मूव करना है तो अपवर्ड जाएंगे। ओके, सेम वे वेस्ट फेसिंग है, इन दैट केस क्या होगा, राइट अप एंड लेफ्ट डाउन। नॉर्थ फेसिंग राइट लेफ्ट, जैसे साउथ फेसिंग हो गया अपोजिट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। ये था आपका डायरेक्शन का। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस के अंदर आपको छोटा सा रूल फाइंड आउट करना है और उसके लिए हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को नेम में कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ये देखो कि होता क्या। जब भी आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आपके पास में जो डायरेक्शंस आ रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आ रही है, इन दैट केस अगर आपको एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेट अस से दिस इज ए बी एंड सी। ओके, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं, दिस इज हाइट, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब उस केस के अंदर जब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है दैट मीन्स कि जब आपको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन कैसे करेंगे, यस हाइट का स्क्वायर दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर और उसके बाद उसका क्या कर देना है हमने स्क्वायर रूट। ओके, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, अगर आपको ये डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, इन दैट केस क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन का स्क्वायर करो और उसको ऐड कर दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट। हाँ, अगर आपके पास में ये है और मुझे ये वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ए बी फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अगर मुझे बी सी फाइंड आउट करना है तो बी सी कैसे फाइंड आउट करोगे, यस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, हाँ जी, जल्दी से बताएंगे सभी, क्लियर है? कोई डाउट आ रहा हो किसी को? हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसमें? आगे करें फिर। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कैसी कैसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता चलेगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारी डायरेक्शंस हो गया सभी के क्लियर? हाँ जी, फेसिंग नॉर्थ सभी को पता चल गया, साउथ फेसिंग ईस्ट और वेस्ट आई थिंक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अगर किसी को डाउट है तो, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो वो अभी कि अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, यस, अब हम आते क्वेश्चन की तरफ। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्या है यहाँ पे, कह रहा है ए मैन वॉक नॉर्थ सॉरी टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, माइनस प्लस क्या है, वेयर इज माइनस प्लस अमन? हाँ जी अमन, व्हाट इज योर डाउट, जल्दी से बताएंगे सो दैट आगे बढ़े। हाँ जी, क्या डाउट है आपका? सिंपल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपका ईस्ट वेस्ट फेसिंग है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है? ईस्ट और
वेस्ट। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस की बात ये है कि देखो अगर हम ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, एसी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वाली साइड प्लस ये वाली, दोनों को प्लस कर देंगे और उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। बट अगर मैं कहती हूँ मुझे ये वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, देखो जैसे अगर हम यहीं पे करते हैं एसी, एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट अस से दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज, हाँ जी दिस इज 4, दिस इज 3, तो उस केस के अंदर एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मींस 16 प्लस 9, दैट मींस 25 का स्क्वायर रूट, दैट मींस कि 5 आ गया, ठीक है। ये वाली साइड देखो कितने आ गए हमारे पास में, 5 आ गए, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, डन। अब मेरे पास ऐसी भी तो कोई सिचुएशन आ सकती है एग्जाम के अंदर कि मुझे ये वाली साइड का तो पता है बट मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी पड़े, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, है ना। तो उस केस के अंदर अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं कहती हूँ मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, मेरे पास में ये नहीं पता मुझे, अब मुझे पता है क्या कि ये 5 है और ये 4 है, तो कैसे करेंगे, यस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हो गया, 25 स्क्वायर माइनस 25 माइनस 16 दैट मींस कि 9 का स्क्वायर रूट, दैट मींस कि 3, तो यही था, ओके। सेम वे अगर मान लो मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, मेरे पास में क्या है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये 3 है और मान लीजिए ये नहीं है मेरे पास, ओके उस केस में क्या करोगे, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आ गया, 25 माइनस 9 दैट मींस कि 16 का स्क्वायर रूट, जब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4, ओके अमन, आई होप अभी क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है किसी को, हाँ जी क्लियर, यस। तो अभी आगे बढ़े, आप देखो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो जो डायरेक्शंस है वो आपको आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, लेफ्ट राइट किधर मूव करना है, और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन करते हो, ओके। तो अब जैसे यहीं पे है, हाँ जी क्या है हमारे पास में डायरेक्शंस, ये है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहा है ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, दैट मींस कि एक मैन है, ठीक है, यहां से उसने स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, लेट अस से दिस इज 5, सिंपल सा पॉइंट है। अब उसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स राइट, अब साउथ फेसिंग है, जब साउथ फेसिंग है तो सिंपल सा याद करो, जब हम नॉर्थ फेसिंग होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट है वही लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड में लेफ्ट में मूव करना है, जहां पे आपका राइट हैंड है उस साइड आपको राइट में मूव करना है। बट अगर आप साउथ फेसिंग हो तो उस केस में उसका अपोजिट कर दो, मीन्स जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड हो जाएगी और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साउथ फेसिंग है, जब साउथ फेसिंग है तो उस केस में उसने क्या कहा, टर्न टू राइट, राइट के अंदर मूव कर गया, राइट के अंदर मूव कर गया, दैट मीन्स कि इधर मूव करा उसने, एंड आफ्टर वॉकिंग 3 वॉक करने के बाद में ही टर्न्स टू लेफ्ट, अब देखो अब उसका फेस किधर है, इधर है, दैट मींस कि किधर है वो, वेस्ट फेसिंग है, जब वेस्ट फेसिंग होता है तो लेफ्ट किधर जाता है, लेफ्ट डाउन साइड जाता है, तो यहाँ पे डाउन हो गया और क्या कह रहा है, कितना चला, 5। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहा स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करती हूँ इसके साथ में, तो इस पॉइंट से ये कहाँ पे है, अगर मैं देखूँ तो ये कहाँ पे, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास में, अगर मैं कहूँ ये ऐसे है तो ये कहाँ पे जा रहा है, हाँ जी दिस इज साउथ वेस्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, दिस इज साउथ वेस्ट, सिंपल। जो जिस पॉइंट से आपको कंपेयर करना उसके साथ में चेक करो कि हाँ जी डाउनवर्ड है, दैट मींस कि साउथ में, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में, अगर वो उसके ईस्ट में है तो साउथ वेस्ट हो गया, ईस्ट में है तो ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा, दैट मींस कि आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,